Hello and welcome to Akanksha Against Harassment, your Cyber Safety Podcast 101. And today I have somebody so special with me, and you know, her entire medal list and the award list is so big कि अगर मैं अभी से पढ़ना शुरू करूँ तो शायद मतलब दो चार एपिसोड सिर्फ वो सारे recognitions में चले जाएं. Please welcome पद्मश्री दीपा मलिक. And hi, good morning. आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार. And Deepa, I just don't know where to begin. You are the first Indian woman to win a medal in Paralympic Games in the 2016 in shot put. You are currently the world number one in F53 category. You have won so many accolades. Aap Arjuna Award your winner hai. Aap 58 national and 23 international medals aapne jeete hai. Matlab aap mujhe bataiye ki matlab इतने सारे अचीवमेंट्स एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल कैसे हैं, आप पहले ये बताइए. आई थिंक इट्स जस्ट बीन अ जर्नी, अ 20 ईयर लॉन्ग जर्नी ऑफ एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी. आई थिंक मैंने जो भी किया है या जो भी शरीर से मैंने करना चाहा, बिकॉज 1999 आई गॉट चेस्ट बिलो पैरालाइज्ड जी, एंड एक स्टीरियोटिपिकल इमेज थी एक डिसेबल्ड वुमन की जी. तो मुझे उससे ऑब्जेक्शन था, बिकॉज लोग सोच रहे थे कि दीपा का दी एंड हो गया है एंड शी विल बी डूम्ड इन द डार्कनेस ऑफ सैडनेस एंड शी विल बी टोटली बेडरिडन ऑल हर लाइफ. तो मुझे, मेरा नाम दीपा है, सो हाउ कुड आई नॉट लाइट द लैम्प एंड यू नो stop cursing the darkness. So this was just a journey of ability beyond disability. एक point prove करना था जो मुझे पता ही नहीं चला कि कब एक purpose of life बन गया, और फिर वो इतना strong passion में develop हुआ that whatever came my way, whatever innovative way, whether it was biking from this body, whether it was car rallying at the Himalayas, or swimming across rivers, or doing paramotoring, doing scuba diving. Wow. And of course, my sports journey. In sports also, Akanksha, pehle swimming kari, phir swimming mein kuch records banaye, phir socha ki ab ye to ho gaya, then I took to javelin, then to play at Paralympics, I had to leave javelin, learn shot put. Right. Then for recent Asian Games in 2018, I had to learn discus. So I learned discus. So I think it was a passion driven journey. और जब भी आप दिल से किसी चीज में मन लगा के करते हैं तो achievement आती है. Absolutely beautiful दीपा. And you know, आपसे मैं पूछना चाहूंगी इसी पॉइंट पे कि बहुत सारे जैसे इंडिया में एथलीट्स हैं अभी और स्पोर्ट्स पर्सन हैं टीयर टू टीयर थ्री में, कभी कभी उनके पास राइट रिसोर्सेज नहीं होते हैं और वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं. And can you please address that? You know, how do we encourage them? See, it जब मैंने स्टार्ट किया था, एक तो देखिए सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी होता है, अपना परसिवरेंस, अपना डिटर्मिनेशन अपने सेल्फ लेवल पे तो चाहिए होता है. जब मैंने बिगिन किया था तो पॉलिसीज भी नहीं थी एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट जर्नी की एक वुमन इन 36-40 ईयर्स वो आती है कि मैं खेलना चाहती हूँ. तो मेरे लिए तो सबसे पहले एज बैरियर था, फिर जेंडर बैरियर था, मेरी डिसेबिलिटी बहुत सीवियर थी जी. फिर मेरे लिए एज बैरियर भी बहुत अपने आप में रहा, बिकॉज एक्सेप्टेंस ऑफ अ वुमन इन 40 इयर्स प्लेइंग विद 20 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन हु वर ऑलमोस्ट माय किड्स एज. सो एंड देन आई केम फ्रॉम एन एजुकेटेड बैकग्राउंड जी. जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट था वो बहुत अंडर प्रिविलेज सेक्शंस में ही था, बट थिंग्स हैव चेंज्ड ओवर द इयर्स एंड आई एम वेरी प्राउड दैट somewhere I was instrumental in this change. So it people call me more a sports activist than a sportswoman. And ye spirit agar sab bache leke chale, mujhe lagta hai ki ab to awareness bahut hai ji. Aur jo current government ki policies hain wo bahut grassroots level oriented policies hain. खेलो इंडिया भी हो रहा है, अब यूनिवर्सिटी गेम्स भी चल रहे हैं जी. सो आई थिंक नाउ वी हैव सेट आउट ऑन द राइट पाथ. और आज का जो खिलाड़ी है अगर उसमें टैलेंट है तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो अननोटिस्ड चला जाएगा. सिर्फ अपनी मेहनत पे आप भरोसा रखिए, बिकॉज आपका टैलेंट सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, एवरीवेयर प्रेजेंस इज देयर
यू कैन रीच आउट वेरी इजिली, इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं ग्रास रूट लेवल पे। आज का तो सरपंच लेवल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत अवेयर है स्पोर्ट्स के लिए, राइट बिकॉज इंटेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज क्लियर दैट वी ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो एज अ स्पोर्टिंग नेशन। राइट तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज CSR में भी आप बहुत कॉन्शियसली कॉर्पोरेट्स आर इन्वेस्टिंग इन टू स्पोर्ट्स। राइट तो माहौल बहुत अच्छा है, आज के बच्चे लकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपा। एंड दो क्वेश्चन आपसे और पूछूंगी। सबसे जी पहले मैंने एक जगह पढ़ा कि यू आर द फर्स्ट पर्सन एवर टू रिसीव अ लाइसेंस फॉर मॉडिफाइड रैली व्हीकल, एंड इसके लिए आपने यस काफ़ी करीब मतलब 2 साल के आसपास तक काफ़ी मतलब इसको परस्यू किया था। वाई वाई डिड यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दैट रैली लाइक सो कीनली? आई थिंक लोग मुझे बहुत जज करने लगे थे फॉर द व्हील्स दैट डेस्टिनी हैड ऑफर्ड मी, एंड रिपीटेडली लोग ये कह रहे थे कि जो पहिए हैं व्हीलचेयर के वो मुझे बाउंड कर देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड कि पहिया जैसी चीज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन काइंड मैन काइंड, वेन वी डिस्कवर्ड व्हील इन जी अर्ली सिविलाइजेशन, जी दैट्स वेन द ह्यूमन रेस ग्रू एंड प्रोग्रेस्ड, राइट देन हाउ कुड द व्हील चेयर हम व्हील्स एज ऑफर्ड बाई डेस्टिनी स्टॉप मी। एंड समवेयर आई वॉन्टेड टू ब्रेक दैट मिथ, एंड आई वॉन्टेड टू ऑल्सो गो बैक टू द व्हील्स दैट आई लव। आई लव्ड आउटडोर्स, आई लव्ड एडवेंचर एक्टिविटीज, आई लव्ड ड्राइविंग एंड बाइकिंग, एंड सो आई वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉइंट ऑफ एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी कि मैं वापस उन पहियों पर जा सकती हूँ और बहुत एग्रेसिवली जा सकती हूँ और इस व्हील चेयर के पहियों पर बैठी भी जा सकती हूँ, मुझे कुछ रोक नहीं रहा है। आई जी एम व्हील चेयर लिबरेटेड एंड नॉट व्हील चेयर बाउंड। तो वो एक राइट मकसद था और डेफिनेटली ये पर्पस भी बना, और इट वॉज हाई टाइम दैट आर कंट्री बिकेम इंक्लूसिव एंड पीपल इन इंडिया न्यू दैट पीपल लाइक अस कैन ऑल्सो ड्राइव व्हीकल्स, कैन गेट मॉडिफाइड एंड वी कैन डू इट एट एनी लेवल। तो जी मेरे एक नहीं बल्कि 2 रिकॉर्ड हैं हाई ऑल्टीट्यूड में गाड़ी चलाने के। जी मतलब आप तो कुछ भी कर सकती हैं, आप तो मतलब रॉकेट्स भी लॉन्च कर सकती हैं, प्लेन भी उड़ा सकती हैं। आई हैव मेट यू आई एंड आई वुड नो योर लव टू, स्पिरिट। इनफैक्ट यू जस्ट गेव मी एन आइडिया। प्लेन मेरी विशलिस्ट में, पैरामोटरिंग मैंने करी है बट प्लेन अभी मेरी विशलिस्ट में बाकी है। बस आई रियली होप दैट दिस इज द मोमेंट दैट व्हाट वी आर सेइंग कम्स ट्रू वेरी वेरी सून, एंड थैंक यू सो मच। You add that to your long list of accolades, and Deepa, we are running this Woman of Strength month, and aapse better kon icon hoga jo bahut sare young girls are listening to you right now. Aap unko कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं स्पेशली ऑनलाइन, कभी उनके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आप उनको प्लीज is there anything you can say to inspire them, please? मैं उनको एक ही बात कहूंगी कि लाइफ इज द ओनली फेस्टिवल दैट कैन बी सेलिब्रेटेड एवरी डे, और एक हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कि हम अपनी सोल को हैप्पी रखें, बिकॉज इफ एट ऑल देर इज अ रीबर्थ, या वो कहते हैं ना आत्मा मरती नहीं है, तो दैट मीन्स वी आर जस्ट अ कस्टडियंस ऑफ आवर सोल। तो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम अपनी सोल को हैप्पी रखें, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज जब आपके अंदर कोई पैशन होता है, पर्पस होता है, कोई हॉबी होती है, या कोई एम और टारगेट लेके आप अपनी लाइफ में चलते हैं, तो आप बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। सो आई थिंक आइडियल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। राइट अपना जरूर कोई मुद्दा बनाए कोई ऐसा, एंड ऑनेस्टली वेन योर गोल्स are oriented in a way when you're giving back to a larger section of society and community, वो give back वाली feeling जब होती है कि you are touching lives and you can improve somebody else's life, that gives you a fulfillment. It gives you a reason to smile every morning when you wake up. So grow beyond yourself. Right. When the things are only about you, you tend to get depressed. But when you feel that
there are a lot of other lives connected with you in whatever way, maybe in the family, maybe in the society, maybe you've taken up a cause of other person, maybe you're helping somebody in their education or developing somebody's sports skills. Right. You're mentoring somebody. When you become a mentor, when you become a creator, Right. your sense of responsibility grows within and it takes you beyond your self-dejections. So I think Beautiful. that is a very important thing. Each one of us has to identify that and keep ourselves motivated. Wonderful. And we'll wrap up this episode with asking you the last question that when you go to receive that medal on behalf of our country, when you जी are, in your hand, you have that trophy, what is that one line which sums up your emotion for India? It's difficult to sum it up in one line because there's so many emotions that go through your mind. But yes, that one line could be a line of gratitude. Gratitude to all those who helped me develop into the Deepa that I am today, that I could give back to my country in such a huge, huge way. Thank you so much. I cannot thank you enough for taking this time out. I wish I could reach out from the phone right now and give you a big hug. And No, but yes, we are talking about online, we're talking about virtual, so a big virtual hug to you. thank you so much, and I hope we'll speak to you soon. Keep inspiring us, and the country loves you. We are very proud of you. And Thank you, my love to all, and happy Women's Day. It's round the corner. Jai Hind. Jai Hind, Deepa. And for everyone listening in to us, if you have any questions for Deepa, if you want to know more about her, there's already a lot on Google, but you can write in to us. My email ID is helloakanksha@gmail.com. You can also tweet to me at akanchas. Until then, remain inspired, remain safe. Thank you.